माझी 24 तास एक पाऊल पुढे। तुझी घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेल्या माजी दूरसंचार मंत्री ए राजा यांना जामीन मंजूर झालाय। पटियाला हाऊस कोर्टानं 20 लाखांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केलाय। तुझी घोटाळा प्रकरणी राजा यांना 2 फेब्रुवारी 2011 अटक झाली होती। या प्रकरणी जामीन मिळावा यासाठी ए राजांनी विशेष CBI कोर्टात अर्ज केला होता। आपल्यावरील आरोप खोटे असून बिनबुडाच्या आरोपांवर हा खटला भरला असल्याचं राजा यांचं म्हणणं होतं। मात्र त्यांच्या जामीनाला CBI तीव्र विरोध दर्शवला होता। राजांविरोधातले आरोप गंभीर असल्यानं त्यांना जामीन देऊ नये असं CBIचं म्हणणं होतं। मात्र एकाच प्रकरणातल्या इतर आरोपींना जामीन दिला जातो तर राजांना का नाही असा युक्तिवाद राजांच्या वकिलांनी केला। त्यावर CBIच्या विशेष कोर्टानं राजा यांना जामीन मंजूर केलाय। त्यामुळे राजा यांची तब्बल 15 महिन्यानंतर सुटका होणार आहे। यापूर्वी टुजी घोटाळ्यातील 13 आरोपींना कोर्टानं जामीन दिलाय। स्पेशल जज OP सैनी साहब ने बड़ा एक लैंडमार्क ऑर्डर दिया है। CBI की अपोजिशन के बावजूद ए राजा को बेल ग्रांट कर दी है, जो 10-10 लाख रुपीज की 2 शोटीज का उन्होंने ऑर्डर किया है। इस मुकदमे में 14 एक्यूज थे इंडिविजुअल्स और 3 कंपनीज थी। अब ये मिस्टर राजा 14वें एक्यूज थे, इनकी भी बेल ग्रांट हो गई है। तो जो है ये जो बेल ऑर्डर है इन अकॉर्डेंस विद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, जिसमें बेल जुरिसप्रूडेंस नई लेट डाउन इस केस में क्लियर हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने बेवरा जी और मेरे क्लाइंट चंदोले जी के सबके ऑर्डर में क्लियर ये किया है कि बेल नॉट जेल इज द लॉ। जब तक अ पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट टिल हिज जज गिल्टी, सो उसको ड्यूरिंग ट्रायल जेल में किस लिए रखा जाए। तो अब इसके अंदर सारे एक्यूज की बेल हो गई है और ट्रायल बिल्कुल स्मूथली इसके अंदर चल रहा है। जी 24 तास एक पाउल पुढे।